धन्यवाद हो आपके महान कार्यों के लिए, धन्यवाद हो आपके अद्भुत सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद हो प्रभु आपके उद्धार की सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद हो आपके पवित्र वचनों के लिए, धन्यवाद हो सत्य की आत्मा के लिए प्रभु, धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए जिसमें हम कलीसिया में आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपकी उपस्थिति के द्वारा सामर्थ्य के कामों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितना भी करें धन्यवाद वो कम है, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु हैं। आपने प्रभु हमें पूरा पूरा उद्धार देने के लिए मसीह के देह में एकत्रित किया है, और जब हम मसीह के देह में बने रहते हैं और मसीह के देह में बढ़ने लगते हैं और मसीह की देह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करने लगते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे करके आपकी महिमा को प्रकट करने के योग्य बनता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं, आपके पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, आपका वचन सुनकर ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, और आपके वचन को आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, ताकि आपकी इच्छा हम अपने जीवन में पूरी कर सकें और आपके योग्य बन सकें। सारी महिमा आपको, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी है। अभी तक हम लोग मंदिर के विषय में अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि पहला मंदिर सुलेमान का मंदिर था जिसे सुलेमान ने बनाया था, लेकिन उसका नक्शा कहाँ से आया था? उसके पिता दाऊद ने उसको सब नक्शा भी दिया था, उसका सारा सामान भी उसने अवेलेबल करके रखा था, सिर्फ बनाया था पुत्र ने। सब कुछ पिता की इच्छा को पुत्र ने पूरा किया था। पुराने नियम में हमको ये देखने को मिलता है कि दाऊद पिता था और सुलेमान पुत्र था। अब आप इसको इसमें फोर शेडो में जाके देखिए तो आपको ये दिखेगा कि परमेश्वर पिता की इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा किया। कैसे? उसकी देह परमेश्वर का मंदिर थी और उसने हर एक मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने का काम किया। बिल्कुल सुलेमान के मंदिर से ये बात डायरेक्टली रिलेट करती है। मंदिर का मतलब परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा का परमानेंट निवास स्थान। तंबू में परमेश्वर अस्थाई तौर पर निवास करता था मूसा के तंबू में, लेकिन सुलेमान के मंदिर में, जब वो सुलेमान के मंदिर में वाचा का संदूक पहुंचाया गया था पहली बार, तो वहां पर लिखा हुआ है कि पूरी यात्रा में, जहां से तंबू की यात्रा शुरू होती मूसा के तंबू की और सुलेमान के मंदिर तक, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, वो ये कि आपको मालूम होगा कि उसमें दो डंडे लगे हुए थे और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि इसके डंडे कभी मत निकालना, ये डंडे उसमें लगे रहे। तो मूसा के तंबू में, वाचा के संदूक में वो डंडे परमानेंटली लगे रहते थे, क्योंकि पता नहीं कब आगे बढ़ना पड़े। लेकिन जब वो सुलेमान के मंदिर में उसको प्लेस किया जाता है, वहां पर निर्देश था कि वो डंडे निकाल देना। इसका अर्थ क्या है? अब उसको कहीं नहीं जाना है। दिस इज द परमानेंट प्लेस। इसी को परमानेंट प्लेस को, टैबरनेकल का मतलब टेम्पररी निवास स्थान है और अस्थाई निवास स्थान, लेकिन टेम्पल जो है वो परमानेंट निवास स्थान हो जाता है। तो टैबरनेकल और टेम्पल का ये अंतर हमेशा माइंड में रखिए कि टैबरनेकल जो है वो टेम्पररी होता है और टेम्पल जो होता है वो परमानेंट होता है। प्रभु यीशु मसीह की देह टेम्पररी थी कि परमानेंट, क्योंकि उसको सुलेमान के मंदिर से ही कंपेयर किया गया था। मेरे साथ निकाल लीजिए एक पद जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय है दो, दो अध्याय
18, 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। इस पर यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूं। कौन सा मंदिर? नहीं, एक्चुअल में यीशु मसीह, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, बाइबल में कुछ दिखाकर कुछ बोला जाता है, इसको पैराबल कहते हैं। पैराबल का मतलब दिखाया किधर जा रहा है और कुछ बोल रहा है, अब आपको कनेक्ट करना है कि वो इससे इसको किस चीज को दिखा रहा है। उसने वो कौन से मंदिर को दिखाकर बोला था, 20वां पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे। किस मंदिर की बात कर रहा था यीशु मसीह? ढाने की बात कौन से मंदिर की कर रहा था? ये सुलेमान का मंदिर था, जिसे जरुब्बाबेल ने एक बार इसका रेनोवेशन कराया, ये हो गया सेकंड टेंपल। सोलोमन टेंपल इज द फर्स्ट टेंपल। जरुब्बाबेल ने जब इसको रेनोवेट किया, जर्जर हो गया था, इसको फिर से इसका इसको वो किया, इसको रेनोवेट किया, फिर से इसको सही तरीके से मेंटेन किया, तो इसको ये कहलाया यरुब्बाबेल का मंदिर। हालांकि ये था सुलेमान का मंदिर, जो बाद में यरुब्बाबेल का मंदिर कहलाया, सेकंड टेंपल। उसके बाद थर्ड टेंपल था हेरोद। तो हेरोद ने वही सुलेमान के मंदिर को, जिसे यरुब्बाबेल ने फिर से ठीक कराया था, उसको उसने और साइज बड़ा कर दिया था, और साइज बड़ा करने के बाद उसको और आलीशान किया, तभी उसमें समय बहुत लगा था। सुलेमान का मंदिर 10 साल में बन गया था, इसको 46 वर्ष लगे थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था, इस पे काम चल रहा था। और इसी को दिखाकर यीशु मसीह कह रहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने बोला, इसे 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? अब देखिए वो किधर देख रहे हैं, वो उस फिजिकल टेम्पल को देख के बात कर रहे हैं। और उसका अगला 21 पद पढ़िए, परंतु उसने यीशु मसीह कह किधर रहा था, ढाने के लिए कह रहा था, इस मंदिर को ढा दो, यानी सुलेमान वाला मंदिर जो था, जो हेरोद का मंदिर कहलाता था उस समय, when Jesus came on earth, उस समय वो हेरोद का टेंपल था, वो हेरोद के टेंपल को कह रहा था इसे गिरा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कौन सा? अपनी देह को, देह के मंदिर के विषय में। तो यीशु मसीह की जो बॉडी थी उसको किससे कंपेयर किया जा रहा था? टेंपल से, बिल्डिंग से। अब यहां से आपको एक फोरशैडो मिलती है कि यीशु मसीह कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मामूली व्यक्ति इस तरीके की बातें नहीं करता है। यहां पर जो बातचीत चल रही है ये बहुत विचित्र है, इसको समझना पड़ता है। और इसलिए ये जो सुलेमान का मंदिर था ये यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यीशु मसीह को अकेले नहीं, यीशु मसीह और उसके लोग, मसीही लोगों को ये एक साथ दिखाता था। जैसे मूसा का तंबू केवल यीशु मसीह को दिखाता था, लेकिन सुलेमान का मंदिर यीशु मसीह के साथ साथ उसके अनुयायियों को या उसके चेलों को भी साथ में इन्वॉल्व करके। देखिए वहां पर एक रोटी की मेज थी, लेकिन यहां 10 थी। वहां पर एक दीपदान था, यहां 10 थे। यानी सुलेमान के मंदिर में रोटी की मेज और दीपदान, यानी जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति को यहां पर स्टैंडर्ड बना दिया गया था। जैसे 10 आज्ञाएं नैतिक नियम थे ना, इसके आधार पर परमेश्वर हर एक के नैतिकता को चेक करता है, ये स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति भी एक स्टैंडर्ड है मसीही जीवन का। इसके आधार पे ही आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाएंगे, ये खास बात थी। मंदिर के अंदर हमने एक चीज और देखी थी कि उस पवित्र स्थान में टेबलें तो बढ़ गई थी और दीपदान बढ़ गए थे, लेकिन धूप की वेदी जिसमें खुशबू जलाई जाती थी वो केवल एक थी। ये किस चीज को दिखाता है? ये इंटरसेसरी प्रेयर को दिखाता है, मध्यस्थ। जब एक व्यक्ति मीडिएटर होता है, वो मीडिएटर परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के बीच में, यानी
बिलीवर्स एंड गॉड, इनके बीच में वो मध्यस्थता करता है। अब यहां पर एक बहुत प्रश्न उठाने वाली चीज थी जो आपकी क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए आपने उठाया नहीं, कि जो परमेश्वर की कलीसिया से संबंध नहीं रखते हैं, सांसारिक लोग हैं, इन लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? इनके लिए प्रभु यीशु मसीह इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, वही मध्यस्थ है, वो उनके लिए प्रार्थना नहीं करता। वो प्रार्थना किसके लिए करता है? जो बॉर्न अगेन हो गए, केवल बॉर्न अगेन लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। एक स्टडी हम लोग अभी आने वाले समय में ये पार्ट आएगा, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट फॉर द सिनर एंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट फॉर द बिलीवर, ये दो पार्ट हो जाते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बाहरी आंगन और भीतरी आंगन वाली बात हो रही है। बाहरी आंगन यानी वो लोग जो परमेश्वर को की उपस्थिति के पास भी नहीं जा सकते, ये लोग सांसारिक लोग हैं, ये बाहरी आंगन वाले हैं। और भीतरी आंगन ये वो लोग हैं जो घर के लोग हैं लेकिन किसी कारणवश अभी अंदर नहीं जा सकते, इनमें कुछ त्रुटियां हैं, इनके लिए पवित्र आत्मा काम करता है। तो द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बटती उसकी सेवकाई, एक पापियों के लिए और दूसरा विश्वासियों के लिए, और दोनों को कन्विक्ट करता रहता है। पापी को भी वो कन्विक्ट करता है, कन्विंस करता है, और विश्वासी को भी वो कन्विक्ट और कन्विंस करता है। कलीसिया में ये काम एक साथ होता है। यहां पे पहले के विश्वासी हैं, उनसे भी पवित्र आत्मा उसी समय बात कर रहा है जिस समय वो पहली बार आए हुए व्यक्ति से बात कर रहा है। यानी बाहरी आंगन और भीतरी आंगन दोनों का काम एक साथ चल रहा है कलीसिया। कलीसिया बहुत विचित्र चीज है, इसे समझ पाना आपके बस से बाहर है। जब तक कि आपके अंदर वो चीज प्रिपेयर नहीं हो जाती और आप उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड, और बिना वचन के ये संभव नहीं है, बिना उपस्थिति के, बिना आपकी उपस्थित हुए ये संभव नहीं है। ये सब पॉइंट्स काउंट करते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर का इलाज करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा इलाज के बारे में, जो लैप्सेस होते हैं ट्रीटमेंट में, लैप्स का मतलब होता है चूक जाना। किसी भी इलाज में जो चूक होती है वो चूक कहां पे होती है, मैं आपको बता रहा हूं। आप हो सकता है मेडिसिन में कभी नहीं चूकते हो, अचूक खाते हो, आप चूकेंगे तो टाइमिंग में चूकेंगे, क्योंकि मेडिसिन की एक टाइमिंग, उसके बीच में घंटे हैं, पहले डोज दूसरे डोज और पहले डोज और दूसरे डोज और तीसरे डोज, या तो तीन टाइम की मेडिसिन होती है या दो टाइम की होती है, उसके बीच में जो इंटरवल होता है टाइमिंग, ये टाइमिंग इलाज का हिस्सा होती है जो आम व्यक्ति नहीं मानता है। इसके कारण उसका इलाज खराब होता है, पहली बात। दूसरी बात कि इलाज का हिस्सा परहेज भी होता है, ये चीज मत खाना, ये चीज इतनी खाना। तो खाने में जो आपको चीज बताई जा रही है खाना, लेकिन कितना खाना, कितनी बार खाना, ये भी मायने रखता है, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट होता है। कहां चूक होती है? यहीं खाने पीने में चूक होती है और टाइमिंग में चूक होती है। और आप कहते हैं कि हमने सारी इलाज करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। आपने इलाज बना लिया अपनी बीमारी को सिर्फ अपनी लैप्सेस के कारण, चूकने के कारण। आपने डॉक्टर के लिखी दवाइयां तो खाई लेकिन उसके बताए निर्देशों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया। ठीक वही स्पिरिचुअल लाइफ में ही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम आत्मिक जीवन में आती है। आप वचन को सुनते हैं, बहुत सी बातें आप समझ जाते हैं और बहुत सी बातें जो उसी से कड़ी जुड़ी होती है वहां पर आप चूक जाते हैं, और जहां आप चूकते वही लैप्स होता है, और लैप्स जहां हुआ LIC की पॉलिसी लोग बड़े उत्सुकता पूर्वक ले लेते हैं, उसमें कोई नहीं चूकता, लेने के बाद बड़े जोश से उसको शुरू करते, लेकिन थोड़े समय बाद परिस्थितियों के हिसाब से जब चीजें बदलती हैं तो क्या होता है, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स का मतलब ब्रेक हो गई, अब आपको उसको दोबारा चालू करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब LIC वाले उसमें रिवाइवल का एक प्रोग्राम होता है उनका, उसमें वो रिवाइवल रखते हैं, आपके पास मैसेज भेजते हैं, अगर आप अपनी पॉलिसी को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो पिछला अमाउंट टोटल आपका जो है
किस्तों का, उस प्लस उसमें इंटरेस्ट, इतना आप जमा कर देंगे तो आपकी पॉलिसी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी। ये सेम मेथड, यही कॉन्सेप्ट मसीही जीवन का है। मसीही जीवन चलते चलते शुरुआत बहुत जोरदार होती है, लेकिन धीरे 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 मसीही जीवन लैप्स हो जाता है। अब क्या करना है? अब आपको फिर से इसको रीस्टार्ट करना है। परमेश्वर किए, परमेश्वर ने आपको हमेशा ओपन इनविटेशन दे रखा है। यहां पर वो LIC वाला नहीं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, LIC वाले जब हमको बताएंगे, बुलाएंगे, जब हमको बोलेंगे तब हम। परमेश्वर की ओर से ओपन इनविटेशन इज ऑलवेज रेडी। जो कोई चाहे, जब चाहे, वो फिर से शुरुआत कर सकता है, एक नई शुरुआत। नई शुरुआत हमेशा, ये याद रखिए, नई शुरुआत हमेशा जन्म से ही होगी। आत्मिक जीवन की शुरुआत आत्मिक जन्म से होगी। और अगर आपका आत्मिक जन्म हुआ और आपका आत्मिक जन्म होने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर लैप्स हो गया, तो आपको क्या करना, फिर से रीस्टार्ट के लिए फिर से जन्म से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मसीही जीवन में आपको कोई परिपक्व नहीं दिखता, क्योंकि लोग कदम ताल कर रहे हैं, चार कदम आगे, दो कदम आगे, चार कदम पीछे, दो कदम आगे, चार कदम पीछे। इसलिए आपको परिपक्वता आज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पीढ़ियों से ये अधूरापन ही चलता आ रहा है। पौलुस ने इसके विषय में लिखा है, तुम्हारी भविष्यवाणी अधूरी, तुम्हारा ज्ञान अधूरा, सब कुछ अधूरा चल रहा, परंतु जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरापन मिट जाएगा। बॉर्न अगेन पे अधूरापन मिटता है, शुरुआत वहीं से। एक और बात आपको बताते हैं कंपेयर करने के लिए, या आपके माइंड क्लियर रहे। जैसे कोई भी व्यक्ति यहूदी नहीं बन सकता, यहूदी कोई नहीं बन सकता, यहूदी आप जन्म से माने जाएंगे। जो यहूदी परिवार में जन्म लेगा वही केवल यहूदी है, और कोई व्यक्ति यहूदियों की विधियों को अपनाकर यहूदी नहीं बन सकता। यहूदी जन्म से होता है, ठीक वैसे ही मसीही भी कोई नहीं बन सकता। आप कुछ विधियों का पालन कर लीजिए, बाइबल पढ़ने लगी, आप मसीही नहीं है, मसीही बन नहीं सकते। मसीही परिवार में जन्म, मसीह के परिवार में जन्म लेने से और मसीही परिवार में पालन पोषण के द्वारा ही आप मसीही बन सकते हैं, तब आप मसीही हैं जन्म से। तो कलीसिया में जब विश्वासी आता है और आत्मिक जन्म लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की आत्मा का देने वाला है, वो उसके परिवार में जन्म से आता है, जन्म से वहां पे शुरू करता है और अनंत जीवन के लिए वो अपनी यात्रा शुरू करता है, जीवन यात्रा। ये मसीही जीवन है। तो बॉर्न अगेन के बिना मसीही जीवन शुरू नहीं होता। अब हम आगे बढ़ेंगे कि बहुत लंबे समय के बाद अब वो वक्त आया है कि आपसे इस विषय में हम अध्ययन करें कि प्रार्थना का अर्थ क्या होता है। आज की दुनिया में प्रेयर को लोगों ने एक ऐसा विधि बना ली है कि आसानी से कोई भी प्रार्थना कर ले, बस नाम यीशु मसीह का होना चाहिए। गलत, आपने वचन को गलत ठहरा दिया, ऐसी मानसिकता से, ऐसे विश्वास से, ये गलत विश्वास है। परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लेगा, प्रार्थना आप करें अपने मन से, जो कुछ आपको बोलना है बोल लिया, लास्ट में कह दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ली जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। अब आपको एक एक पॉइंट, ये थोड़ा लंबा चलेगा ये पार्ट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, पूरी बाइबल में ये भरा हुआ है। और आज समस्त मानव जाति में प्रार्थना प्रधान है। हर एक रिलीजियस सिस्टम में जो मेन चीज है वो है प्रार्थना। लेकिन क्या सबकी प्रार्थना वो सुन रहा है? और नहीं सुन रहा है तो क्यों नहीं सुन रहा है? क्या परमेश्वर पापियों की सुनता है? बाइबल बताती है परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है। तो फिर सब लोग प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? बॉर्न अगेन तो बच्चा है, वो एक छोटा बच्चा क्या प्रार्थना करे, उसको प्रार्थना का अर्थ ही नहीं मालूम है। तो वो तो अपने परिवार वालों को जैसा करता देखता वो करने लगता, कॉपी कैट बन गया। लेकिन क्या वो प्रार्थना है?
नहीं। प्रार्थना ट्रेडिशनल नहीं होती है, पहली बात यह बताइए। आज के जमाने में प्रार्थना को ट्रेडिशन बना दिया। प्रेयर इज अ ट्रेडिशन इन दिस एज, इस युग में प्रार्थना एक ट्रेडिशन है। क्या सुलेमान ने ट्रेडिशनल प्रेयर की थी, या सुलेमान ने कुछ परमेश्वर से वो बात बोली थी जो परमेश्वर की उपस्थिति, पहली बात ये उसका संबंध था परमेश्वर से, उसके पिता का परमेश्वर से संबंध था, इसलिए उसके पुत्र का संबंध था। यहां पे ये देखिए पारिवारिक जीवन से कैसे आता परमेश्वर। आपके परिवार में कौन परमेश्वर को मानता है जिससे आपके बच्चे परमेश्वर को माने, है प्रश्न सही? तो कम से कम बैठ कर ये बातें सोचनी चाहिए कुछ भी बोलने से पहले, कि हम क्या बोलने जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं और क्या लिखा है। वचन के बिना प्रार्थना मान्य नहीं है। अब हम ये शुरू करेंगे और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए सुलेमान द्वारा मंदिर के समर्पण से हम लेसन्स लेंगे, सबक लेंगे। सुलेमान का मंदिर बनने के बाद, मंदिर बन गया, मंदिर के हमने इसका अध्ययन इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर हमको यही बनाना मांगता है, मंदिर बनाना मांग रहा है। तो हमने इन चीजों का अध्ययन किया कि भीतरी आंगन यानी हमारे भीतरी मनुष्यत्व में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका वहां से हटना और उसका साफ होना बहुत जरूरी है। और इसी आधार पे अब हम मंदिर के डेडिकेशन यानी समर्पण से, जब उसने समर्पण के लिए मंदिर को सौंपा एक महान राजा, पहली बात ये कौन है, सुलेमान। दाऊद तो बादशाह था, दाऊद बहुत पावरफुल किंग था, लेकिन उसका बेटा बहुत बुद्धिमान, द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आज तक उतना बुद्धिमान कोई ना उससे पहले कोई था और ना आज कोई है। अगर सुलेमान को बुद्धिमान राजा के रूप में दिखाया है तो नए नियम में लिखा है यीशु मसीह के लिए कि वो सुलेमान से बड़ा है। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय खोलिए, कंपैरिजन देखिए। जो बाइबल के कंपैरिजन हैं ये हमारे और आपके लिए सबक है कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। 12 अध्याय का 42 पद पढ़ दीजिए, 42 verse। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहां वो है। ये कौन है, सुलेमान से बड़ा है ना। तो आप ये देखिए कंपैरिजन बराबर बाइबल में आपको ये सुलेमान के साथ यीशु मसीह का मिलेगा। जैसे दाऊद का एक बुद्धिमान बादशाह था, उसके बराबर कोई बुद्धिमान ना तो पहले था ना बाद में, आज तक है, उससे ऊपर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वो महाबुद्धिमान है, वो बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए ये इतना बड़ा कंपैरिजन उसके लिए रखा गया है। और हम लोग उसके साथ किस तरीके की व्यवहार कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में आके ये सोचते हैं कि वो तो कुछ समझता ही नहीं है। अरे वो तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे हृदय को जब तुम प्रवेश करते हो या तुम रास्ते में घर से निकलते हो तभी से वो पढ़ लेता है, ये आ क्यों रहा है, इसके आने की नियत क्या है, इसके आने का उद्देश्य क्या है। उपस्थिति में जब आप परमेश्वर की उपस्थिति के लिए चलते हैं ना, ये यात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट यात्रा होती है, ये स्पिरिचुअल, इसी को तीर्थ यात्रा बोलते हैं। आप हर संडे तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन आपकी तीर्थ यात्रा सफल क्यों नहीं हो रही, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमने ये सारे पॉइंट आपको अलग अलग इसलिए बताए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इन चीजों का महत्व हमारे जीवन में कैसे कनेक्शन बनाएगा और हमारे जीवन में इसका महत्व कैसे आएगा। ये मंदिर समर्पण के बारे में दो अध्यायों में से पहला है। समर्पण के बाद परमेश्वर की उपस्थिति इज़राइल के साथ रहने के लिए लौट आई थी। सुलेमान का मंदिर जब बना था तो इसको जब उसने परमेश्वर को समर्पण किया, ये समर्पण बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि जो आप याद कीजिए कि इज़राइल में से परमेश्वर की महिमा उड़ गई कब,
जब वाचा का संदूक छीन लिया गया था। अब ये सुलेमान के मंदिर में वापस से परमेश्वर की महिमा बहुत वर्षों बाद आई थी, लंबे अवधि के बाद। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय था और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहला राजा 8:11 पढ़ दीजिए, पहला राजा 8:11। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा के भवन में भर गया था। यानी परमेश्वर ने इसके सुलेमान के इस मंदिर को ग्रहण कर लिया था। परमेश्वर जब भेंट ग्रहण करता था तो आग से आग गिराकर उसको ग्रहण करता था। एलिया ने जब बाल के नबियों को, जो 450 थे, उनको चैलेंज किया था कि जिसका परमेश्वर आग गिराकर उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा, और उनके वो 450 बाल के नबियों ने अपनी वेदी बनाई, अपना उस पे कुर्बानी की और उसकी, और रात सुबह से लेके दोपहर तक वो अपना उछलते कूदते रहे, मांगते रहे, सब कुछ। उस चैप्टर में आपको जो असली पॉइंट्स है वो मिस कर दिए सबने। वो पॉइंट्स क्या थे? एलिया ने, उन लोगों ने यानी कॉपी कर ली थी, जैसे एलिया ने वेदी बनाई उन्होंने भी वेदी बनाई। कॉपी की जा सकती है हाँ, लेकिन नकल तो की जा सकती, बराबरी नहीं की जा सकती। ये बाइबल से आप सीख सकते हैं आत्मिक जीवन में। और आजकल के लोग मालूम है नकल कर रहे हैं और कोई पहुंच नहीं पा रहा वहां तक, सब एक दूसरे की आपस में नकल बना रहे हैं। उस उन लोगों ने जैसे एलिया ने वेदी बनाई उन्होंने भी वेदी बना ली, और जैसे एलिया ने बलिदान किया उन्होंने भी बलिदान किया। लेकिन एलिया ने पहला मौका उनको दिया था, पहले तुम कर लो, मेरा काम तो बाद का है। ठीक वैसे ही पूरे पुराने नियम में सब कुछ वैसे ही चलता रहा, सब अपने अपने मन से प्रार्थना करना, अपने अपने मन से सब चीजों को, तो ये रिलीजन बनते चले गए। ओल्ड टेस्टमेंट इज द टाइम ऑफ रिलीजन्स, ये रिलीजन्स का समय रहा है। जब आप इतिहास में भी पीछे जाएंगे तो इतिहास यही बताता है कि सब अपनी अपनी विधियां लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जब नए नियम को, पुराने नियम को डिवाइड किसने किया, एक काल को दो भागों में विभाजित किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने, उसका जन्म और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान, इसने काल को विभाजित किया है। ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखिए, टू डिवाइड द एरा, युग डिवाइड किया, युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन शुरू कहां से हुआ? यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान से ये युग बढ़ गया। अब यहां से जो युग चल रहा है, तो जो युग वहां का चल रहा था लोग उन्हीं की कॉपी तो घरों में से अपने बच्चे सब अपने अपने परिवार में वही कॉपी करके खड़े हो रहे हैं कि हमारे यहां ये रीति चली आ रही है। लेकिन उन रीतियों में आत्मिक संदेश क्या था? हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आत्मिक शिक्षा के में अच्छी लगती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे केवल शिक्षा है, उद्धारकर्ता नहीं है। बिना उद्धारकर्ता के जो आत्मिक शिक्षा है, उस आत्मिक शिक्षा का पहली बात लाभ बता दीजिए, क्या है? कोई लाभ है? क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान को, उस यानी जो उनको दिया जा रहा है, ये मत करना, ये मत खाना, ऐसे मत करना, उधर मत जाना, ये मत सुन, ये तो जमाने से लोग सुनते चले आ रहे हैं। अगर मनुष्य के पास इतनी क्षमता होती कि वो इन बातों को अपने जीवन में खुद से लागू कर ले, क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड है, तो यीशु मसीह को आना नहीं पड़ता। या तो परमेश्वर ने गलती की या इंसान गलती कर रहा है, लेकिन इंसान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं, ये अगर यीशु मसीह का बलिदान नहीं भी होता तो ये हो सकता है। और मालूम ये कैसे हम बता रहे हैं? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, एक विश्वासी जब किसी व्यक्ति को जो अभी बॉर्न अगेन नहीं है उसको कुछ गलत करता दिखता, ठोकर खा जाता है। अरे ये तो कलीसिया में आते, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, आप ठोकर क्यों खाए, आपको ठोकर क्यों लगी? इसका मतलब आप यीशु मसीह के बलिदान को हटा कर देख रहे हैं कि नहीं, ये आता था इसको ये चीज नहीं करनी, ऐसा नहीं है। कलीसिया में आएगा कौन? पहली बात, इनविटेशन देखिए किसको दिया है, पापियों को। तो कौन आएगा?
पापी लोग आएंगे, और पापी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है जब तक पापी का मन प्रभु के वचन में और प्रभु की इच्छा में नहीं होता है। इसलिए प्लस माइनस रहेगा, ठोकर नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए ठोकर। आज मसीही लोग कलीसिया में जो आते हैं ना, उनको इसी बात से ठोकर लगती, वो आते थे अब वो क्यों नहीं आते, तुम कौन लेते हो हिसाब, तुम कौन होते दूसरे का जीवन तारने वाले, तुम कौन होते, तुमने अपने आप को देखा है। और अक्सर इस तरीके का, इस तरीके की बातें कौन लोग करते मालूम है, जो खुद नहीं आते। एब्सेंटी लोग दूसरों की एब्सेंस को पॉइंट आउट करते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, वो अब नहीं आते। और जो रेगुलर वाले उनको किसी से मतलब नहीं, उनको मालूम है कि हम आ रहे हैं, हमको हमारे से परमेश्वर व्यवहार कर रहा है, खत्म बात। तो ये लोगों की जो प्रवृत्ति है, नेचर, इसको भी आप साथ साथ देखते जाइए। हमारे नेचर में ही तो प्रॉब्लम है कि हम क्या देखते हैं, परमेश्वर काहे के लिए बुला रहा है। अब हम यहां पे इसमें आगे चलते हैं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका पहला पद। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया। देखिए परमेश्वर ने उत्तर दिया ना उसकी प्रार्थना का, आजकल के लोगों की प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? क्या हर एक को उसने अनुमति दे दी तुम प्रार्थना करो? नहीं दी ना, तो हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए निर्धारित नहीं किया गया, उसको यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप प्रार्थना करो। मालूम क्यों? क्या पापी की परमेश्वर सुनता? परम पवित्र परमेश्वर और परम पापी मनुष्य। मंदिर की स्थापना परमेश्वर ने क्यों की थी? यही बात तो सिखाने के लिए की थी कि तुम बाहर से आंगन से खड़े होकर चिल्ला के उससे बोलोगे, परमेश्वर से चिल्ला के बात करोगे तो भी तुम दोषी ठहरोगे, और वो भी पापी। तो पापी परमेश्वर से चिल्ला के बात करेगा? ये डिसिप्लिन भी साथ साथ चल रहा है। जब एलिया ने उन लोगों को, बाल के नबियों को मौका दिया था, तो वहां पर जो लेसन है प्रेयर के विषय में वो ये है कि प्रार्थना, जब परमेश्वर की ओर से कोई व्यक्ति, यानी जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर केवल उन्हीं की सुनता है, ये दिखाया गया। बाल के 450 नबी अपने आप को कह रहे थे हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता है, और एलिया भी परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। ये भविष्यवक्ता वर्सेस भविष्यवक्ता है, और इसमें आप देखेंगे एक तरफ ढेर सारे और एक तरफ एक। एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का वो चित्रण है उसकी परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो ऑलरेडी इस बात के लिए ठहराया गया था कि वो परमेश्वर का नबी है। और बाल के 450 नबी परमेश्वर के नबी नहीं थे, लेकिन वो नबी थे लोगों की नजर में। तो लोग तो वो 450 और एलिया को सबको एक मानते थे, जैसे कि आज लोग पास्टर्स को एक मानते। ये उस जमाने में भी था यहूदियों में, लेकिन उसका अंतर कैसे देखने को मिला जब उनको यह अवसर दिया गया, पहले तुम अपना बलिदान चढ़ाओ। उसने कंडीशन क्या रखी थी? जो आग गिराकर उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा, ये मेन पॉइंट था। और एलिया ने, उन लोगों ने वहां पर यानी कुर्बानी करी, और कुर्बानी को ग्रहण करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो जिससे प्रार्थना कर रहे थे, पहली बात वो नबी थे, तो वो कौन सी आत्मा थी उनमें? भविष्यवाणी वो कर रहे थे, वो 450 भविष्यवक्ता थे, और वो किससे, कौन उनका ईश्वर था? ये भाई ईश्वर की आत्मा ही तो हमें भविष्यवक्ता बनाती है, तो वो कौन सी आत्मा में थे? पहला पॉइंट मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, घर में जाके अध्ययन कर लीजिएगा, पहला राजा 18 अध्याय खोल के। वो 450 बाल के नबी, नबी वर्ड आ रहा ना, तो कौन सी आत्मा में थे, और वो परमेश्वर को कितना जानते थे, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी तो करी, लेकिन जैसे एलिया ने कुर्बानी की थी वैसी नहीं करी। उनकी कुर्बानी में और एलिया की कुर्बानी में अंतर देखिए। पहली बात, वो कुर्बानी करकर कभी डांस कर रहे हैं, कभी गीत गा रहे हैं, कभी उछल कूद रहे हैं, फिर अपने आप को कष्ट पहुंचाने लगे, यानी वो अपने ये के मैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, और देखो अभी हम परमेश्वर को
ये मजबूर कर देंगे कि वो आके कुर्बानी ग्रहण करें। यानी वो परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। एलिया ने ये नहीं किया, एलिया ने ये नहीं किया, एलिया ने परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान है उसका उसकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। उसने केवल साधारण तरीके से जब वो कुर्बानी करी उसके बाद उसने उसके चारों ओर वेदी के चारों ओर गड्ढा बनवाया और उसने ढेरों पानी भरवा दिया। कुर्बानी के ऊपर भी पानी, कुर्बानी की वेदी जो लकड़ी की थी उसके ऊपर भी पानी और उसके वहां गड्ढे में पानी भर गया और पूरा पानी से गीला कर दिया ताकि ये ना हो कि एलिया ने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि वो कुर्बानी गायब हो गई। गीला कर दिया ताकि भसम हो तो पता चले। देखिए जब गीली चीज पर आग गिरती है, जब आप गरम गरम तवा पानी के नीचे जाते कैसे आवाज आती है ना, उसमें वॉयस आती है, वो ऐसी आवाज होती है आपको पता चल जाता बहुत गर्म था। वैसे ही जब गीले उस पे कुर्बानी पे आग आएगी तो आवाज सुन के पता चल जाएगा कोई तो था जिसने इसको ग्रहण किया, भसम कर देना। और वहां पर वो कुर्बानी भसम होती है। केवल वो ये कहता है, हे परमेश्वर मैं तेरा बंदा हूं, अपनी मेरी इस कुर्बानी को ग्रहण कर ले। कुर्बानी प्रार्थना का प्रतीक, कुर्बानी मूसा के तंबू में कुर्बानी प्रार्थना का प्रतीक थी। आज लोग किस आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी कहां है? मसीही लोगों की कुर्बानी यीशु मसीह है। और आप यीशु मसीह आपकी कुर्बानी है, क्या आप उस कुर्बानी के अनुसार जीवन बिता रहे हैं जो आप उसके नाम से खड़े होकर मांग रहे? पॉइंट मिला ना? ये ध्यान रखिएगा, प्रार्थना करने से पहले हजार बार सोचिएगा। गलत यानी फेक लोग, झूठे लोग, झूठे विश्वासी प्रार्थना करेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। वो उनकी मर्जी, वो जितनी चाहे कर ले, लेकिन उत्तर ऊपर से नहीं आएगा। ये दिखाया गया है पुराने नियम में। ये यीशु से पहले, ये जो सुलेमान का मंदिर है यहां पर परमेश्वर की महिमा उतर गई, आग गिराकर उसने उत्तर दिया था उसकी प्रार्थना का। और इसीलिए यहां पर परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में भर गई थी। और ये यीशु से पहले इज़राइल राष्ट्र के इतिहास का चरम समय था, पीक पर था। और ये यीशु मसीह से पहले एक बार फिर परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में आई थी, उसके बाद सीधे यीशु मसीह के द्वारा आई। इसीलिए लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पुत्र पिता के इकलौते पुत्र, लिखा है ना। तो यीशु मसीह के जीवन से वो महिमा फिर आई थी जो यहां से, यहां पर जो सुलेमान के मंदिर में आई थी, बेबीलोन की गुलामी में जब लोगों को ले गए थे वो लोग, तो ये महिमा फिर चली गई थी और यीशु मसीह के द्वारा फिर आई है। इस तरीके से ये पार्ट्स पूरे हुए हैं पुराने नियम के। इब्राहिम और सुलेमान के बीच ठीक 15 पीढ़ियां बीत गई। इस समय इसराइल अपनी पूर्ण महिमा पर पहुंच गया क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ने राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश के रूप में काम किया। फिर भी अंतिम यहूदी राजा सिदकिया तक आध्यात्मिक गिरावट की 14 दुखद पीढ़ियां बीत गईं। यीशु जगत की सच्ची ज्योति सुलेमान के ठीक 15 पीढ़ी बाद आए। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 17 पद निकालिए। एक एक चीज कड़ियां भी जोड़ते जाए ताकि आपको पता चले कि ये पूरी बाइबल एक ही व्यक्ति के विषय में बात कर रही है। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी। अब 14 × 14 × 3 कितना हुआ? 42। अब आप घर में होमवर्क ले लीजिए। ये यहां पे ये शुरू हो रही है यीशु मसीह की वंशावली अब्राहम से। तो अब्राहम और ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, जिनसे ये पैदा हुआ, इनसे ये पैदा हुआ, इनसे ये पैदा हुआ, ये पीढ़ियां गिनिएगा। पीढ़ियां गिन के आइएगा तो फिर इसके आगे का एक रहस्य बताएंगे। यहाँ पे 42 पीढ़ी होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे 41 पीढ़ी मिलेगी आपको, काउंट करके आइएगा। उसमें एक पीढ़ी गायब है। इसके आगे का रहस्य आपको बताएंगे।
ये आप देख लीजिएगा। और यहां पर बताया सुलेमान के ठीक 15 पीढ़ी के बाद यीशु के आगमन से पहले मंदिर का उद्देश्य परमेश्वर के लोगों और दुनिया भर में परमेश्वर की रोशनी फैलाना था। ये मंदिर का उद्देश्य था, सुलेमान के मंदिर का उद्देश्य पूरी दुनिया में परमेश्वर की ज्योति को फैलाना। क्या वो इस काम में सफल हो पाया? क्योंकि वो मंदिर ऐसी जगह था हर व्यक्ति यात्रा करके वहां नहीं जा सकता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को मंदिर कहा और बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया वो मंदिर आज है, रेजरेक्टेड बॉडी। और उसमें जो विश्वासी लोग आते हैं उनको वो मंदिर बनाना मांगता ताकि ये जहां कहीं जाए परमेश्वर की ज्योति फैलाए, ये उद्देश्य था। और इस उद्देश्य में सब लोग क्योंकि इसको समझने में असफल हुए और इसलिए ये उद्देश्य खत्म हो गया, सब रिलीजियस टीचिंग लेकर खड़े हो गए जो कि गलत हो गया। और यहां पर अंतिम यहूदी राजा सिदकिया तक आध्यात्मिक गिरावट की 14 दुखद पीढ़ियां बीत गईं। यानी इतना बुरा ये आत्मिक पतन होता चला गया कि ये सारा परमेश्वर की योजना फेल हुई। ये यहूदियों के लिए उनकी पूजा करने और उनके साथ निरंतर संगति पाने का केंद्रीय स्थान था, यानी परमेश्वर के साथ उपस्थिति का, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का और परमेश्वर के साथ संगति करने का ये मेन पार्ट था, केंद्र था ये। और इसमें वो लोग उपस्थित होते थे। सुलेमान के समर्पण के इस भाग से परमेश्वर ने उनके साथ संगति खोजने और बनाए रखने पर हमें जो लेसन्स हम आज प्राप्त करने जा रहे हैं वो चीजें हम देखेंगे। उसकी संगति के लिए आवश्यक है, सबसे पहली चीज उसकी संगति के लिए आवश्यक है, आप घर में सुनकर इसको डायरी में नोट कीजिएगा, क्या आवश्यक है परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए, क्या आवश्यक है। नंबर वन है आज्ञाकारिता, नंबर टू है प्रतिबद्धता, नंबर तीन है विश्वास, नंबर चार है सतर्कता, नंबर पांच है उसका वचन, नंबर छह है आराधना और नंबर सात है पवित्र आत्मा। और लोग आजकल के विश्वासी कितनी आसानी से कहते हैं हम तो पवित्र आत्मा पा चुके। तुम किसके सामने उपस्थित होने लायक हो, ये ध्यान देने वाली बात है। सुलेमान परमेश्वर के मंदिर को ठीक उसी तरीके से बनाने में आज्ञाकारी था जिसकी परमेश्वर को आवश्यकता थी। अपने उदाहरण से परमेश्वर ने प्रकट किया कि उसके साथ संगति बनाए रखने के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। ईश्वर आपके त्याग या धर्म परायणता की बाहरी अभिव्यक्ति से अधिक आपकी आज्ञाकारिता चाहता है। दूसरा, सुलेमान ने इज़राइल के सभी सेवकों को सही तरीके से परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए इकट्ठा किया। इस उदाहरण से ईश्वर प्रकट करता है कि ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तीसरा, सुलेमान द्वारा मंदिर के समर्पण में यहूदियों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कई जानवरों की बलि शामिल थी। यीशु ने अपनी मृत्यु के साथ और अधिक पशु बलि की आवश्यकता को पूरा किया। आज संगति बनाए रखने के लिए यीशु के बलिदान और पुनरुत्थान में विश्वास की आवश्यकता है। चौथा, समर्पण। समर्पण प्रक्रिया के भाग के रूप में सेवकों को याजकों ने संरक्षक करूबों के नीचे वाचा का संदूक रखा। करूबों ने परमेश्वर के वचन पर अभिभावक देवदूतों के रूप में कार्य किया जिन्हें संदूक के अंदर रखा गया था। शैतान हमेशा लोगों को परमेश्वर के वचन से भटकाने के अवसरों की तलाश में रहता है। कुरूबों की तरह ईश्वर के साथ संगति बनाए रखने के लिए दुश्मन के हमलों के सामने आपकी सतर्कता की आवश्यकता होती है। पांचवा, संदूक के अंदर परमेश्वर का वचन और सोने की परत चढ़ा पवित्र स्थान मंदिर का हृदय और इसका सबसे बड़ा खजाना था। आज संगति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संजोएं। इसका मूल्य सोने या किसी भी धनराशि से अधिक है जो केवल अस्थाई पूर्ति प्रदान कर सकता है। छठा, जब परमेश्वर के वचन को मंदिर के केंद्र में ठीक से रखा गया तो जो याजक है स्तुति में गीत गाते थे। आज संगति बनाए रखने में आराधना और स्तुति भी शामिल होनी चाहिए।
यदि आप स्वभाव में परमेश्वर के वचन में निहित दया और अनुग्रह के वायदों पर विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर की स्तुति गानी चाहिए। अंततः परमेश्वर के वचन को मंदिर के केंद्र में उचित रूप से रखे जाने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति ने मंदिर को भर दिया। आज जब आप यीशु को स्वीकार करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नए मंदिर में वास करेगा। वो वचन है जो देहधारी हुआ। बदले में पवित्र आत्मा आपको यीशु के वचन को याद करवाकर संगति बनाए रखने में मदद करेगा। ये है पूरा इसका सार। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला राजा 37 पद से पढ़िए, अध्याय है इसका, अध्याय 8 का 22 पद से पढ़ लीजिए। चलिए प्रार्थना पढ़ते हैं पहले। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर, यानी तुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। 10 आज्ञाओं की पहली आज्ञा। प्रार्थना का आधार क्या होना चाहिए? 10 आज्ञाओं की पहली आज्ञा। तुम किससे प्रार्थना कर रहे हो? अब आप यहां पर कुछ लगा लीजिए, मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए, कंपेयर कर ले। मत्ती रचित सुषमाचार अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय 6 अध्याय मिला, अध्याय 6 एक मिनट, 6 अध्याय का 9 पद से पढ़िए, 9-10 पद पढ़ दीजिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब यहां पर वो परमेश्वर कह रहा है और यहां पर यीशु मसीह ने क्या बताया था, हे हमारे पिता। तो जिसे दुनिया में यहूदी लोग जिसे परमेश्वर कहते थे उसको हम पिता कैसे कह सकते हैं? आधार मजबूत होना चाहिए। आप किसी को भी अपना पिता कह सकते हैं? आपकी जबान अलाउ नहीं करेगी, और अगर आप बोल भी रहे हैं तो आप मुंह से बोलेंगे, दिल से नहीं बोलेंगे। किसी को अपना पिता कहना, किसी को अपनी मां कहना आसान नहीं है। दिल से किसी को, दिल से, मुंह से तो लोग बोल देते हैं, है ना, समय पर गधे को बाप बना लेते हैं। आजकल के लोग हैं भैया, जहां से मकसद हल हो रहा हो पिता कहने में क्या जाता है। लेकिन परमेश्वर हृदय की सच्चाई देखेगा कि तुम्हारे दिल में वो इज्जत और वो समर्पण है भी के नहीं, तो पिता कैसे कह रहे हो। इसीलिए बॉर्न अगेन व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पिता निकलता है, दिल से, आत्मा से निकलता है वो। और इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना बताई जो हर आदमी कर ही नहीं सकता, दिल से नहीं कर सकता। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर। यह प्रार्थना का आरंभ है। बस अब वापस इधर आ जाइए। उसने यहां पर कहा कि तेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। जी हाँ, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। अब दुनिया में इतने लोगों ने ईश्वर मान रखे हैं लेकिन वास्तव में देखिए तो कोई नहीं। बाल के 450 नबियों को याद कर लीजिए, वो भी अपने पता नहीं किस किस को ईश्वर बुला रहे थे, इसीलिए उनको प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा था। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर
चलते हैं उनके लिए। बहुत बहुत बढ़िया चीज मिल गई। इनके लिए परमेश्वर अपने वायदे पूरे करता है। जो परमेश्वर को अपने सन्मुख जानकर चलते हैं कि प्रभु मेरे साथ है, वो देख रहा है, उसकी उपस्थिति में चलते हैं। ये सीधा सीधा है, उसकी उपस्थिति में जो लोग चलते हैं, उसकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी वो उनके साथ वो अपने वायदों को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। जी, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था। देखिए, अब प्रार्थना में पिता आया। सुलेमान परमेश्वर से अपने पिता का रेफरेंस देकर बात कर रहा है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसको तूने पूरा किया है। पालन किया मतलब पूरा किया है प्रभु जी। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उसको पूरा किया। ये प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु तूने जो मेरे पिता को बोला था उसे सिर्फ बोला नहीं था, तूने अपने हाथों से उसको पूरा भी किया। क्या ये मंदिर बनाने की महिमा ले रहा है? नहीं। आजकल के मसीही लोग चार अक्षर क्या जान जाते हैं, फिर उनके बराबर तो कोई यीशु मसीह भी नहीं है। कितना अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। उसका तूने पालन किया है वैसा ही हाथ से पूरा भी किया, जैसा कि आज है। मंदिर को दिखा कर कह रहा था जी। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, तेरे कुल में मेरे सामने इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। बस कंडीशन क्या है? इतना हो कि, ये कंडीशन है, इतना हो कि जैसे तू स्वयं मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपने चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें जैसी सुलेमान तूने की है। ऐसी चौकसी अगर तेरे वंश के लोग करेंगे चलेंगे तो मैं उनके साथ अपना वायदा पूरा करूंगा। अब प्रार्थना में कंडीशन आ रही है ना, वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहा है ना, परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर, 10 हुक्म के आधार पर यहां प्रार्थना हो रही है ना। ये बहुत ध्यान कीजिएगा, प्रार्थना किस आधार पर हो रही है। इसलिए अब हे इज़राइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था उसे सच्चा सिद्ध कर दे। यानी परमेश्वर जो सिद्ध करने वाला है, सिद्ध तो वो करेगा कि वो हमने जिस परमेश्वर से हमारा संबंध है वो प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, सिद्ध करता है वो। आगे 27 पर, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? आजकल के लोग तो भवन बना के प्रभु बन गए, और यहां वो राजा भवन बनाने के बाद कह रहा प्रभु कहां तू इस भवन में समाएगा ही नहीं। उसकी महानता को दिखा रहा है। और फिर आगे पढ़िए प्रार्थना, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और ये प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूं, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा। सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर तो उपस्थित नहीं था, लेकिन परमेश्वर का नाम जरूर वहां पर था। हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, परमेश्वर अभी उपस्थित नहीं है।
और इस नाम की गरिमा अगर हम नहीं बना रख सकते तो परमेश्वर की उपस्थिति कहां आएगी। पहला ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। रात दिन खुली रहे, तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे और जो प्रार्थना तेरा दास, देखिए यहां पे नहीं लिखा इस स्थान में आकर करे, इस स्थान की ओर मुंह करके करे, उसे तू सुन ले। देखिए कंडीशन, प्रार्थना की कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी एयरलाइंस में अगर इंटरनेशनल सफर किया हो, हमें नहीं मालूम है, अगर किया हो या कभी मौका मिले, हम लोग जब यहां से गए थे, हम मलेशियन एयरलाइंस से गए थे जब न्यूजीलैंड गए थे, तो मलेशियन एयरलाइंस में, मलेशिया जो है वो मुस्लिम कंट्री है, मलेशियन एयरलाइंस में, और हम लोग गए थे यहां पर आपका सिंगापुर मलेशिया, यहां पर हम लोग एक हफ्ता रुक के और फिर वहां से फ्लाइट लेके आगे बढ़े थे। हम लोग गए वेस्टर्न कंट्री थे लेकिन जो हमारा ट्रांजिट था वो मुस्लिम कंट्री थे, और मुस्लिम कंट्री में हमने, हम लोगों ने एक बड़ी बारीक चीज जो अपने देश में हमको देखने को नहीं मिलती वहां पर देखी। उनके एयरलाइंस में जब आप वो उसका टीवी खोलेंगे तो उनका एयरलाइंस का जो चैनल है उसमें मक्का दिखाते हैं, मक्का से उनका वो नेविगेशन सिस्टम काम करता है, मक्का को केंद्रित होके। और आप जब होटल्स में जाएंगे वहां पर मुस्लिम कंट्रीज में, तो हर होटल के कमरे में जिस दिशा में मक्का है उस दिशा में छत पे आपको एक वो प्रिंट किया हुआ मिलेगा मक्का, और उसका एरो बना होगा इधर, यानी जब आप वहां पर प्रेयर करें तो उस दिशा में मुंह करके प्रार्थना करें। ये हम लोगों के लिए नई चीज थी जो हम लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों परमेश्वर के वचन में इस चीज का संबंध था, हमें बाद में मिला। और यहां पर वही बात लिखकर आ रही है कि सुलेमान कहने लगा तेरे इस भवन की ओर दृष्टि करके। अब आप इस चीज को देखेंगे बाइबल में तो शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल, ये लोग बेबीलोन की गुलामी में ले गए थे, इजरायली जवान बच्चे थे और इनको वो बेबीलोन के लोग गुलाम बना के ले गए थे, तो इनकी चुगली जब खाई थी कि ये लोग तीन बार प्रार्थना करते हैं, तो डैनियल अपने घर की खिड़की को, यानी यरूशलेम की ओर जो सुलेमान का मंदिर है उस दिशा में खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था। अद्भुत चीज लगती है ना, लेकिन पुराने नियम में इसका महत्व था क्योंकि ये परमेश्वर के भवन की दिशा को आदर दे रहे। ये चीज यहां पे तो वही वो कह रहा है कि इस स्थान की ओर मुंह करके करे, तू उसे सुन लेना, यानी आप कितनी भी दूर हैं लेकिन उस दिशा में मुंह करके आप कर रहे थे, इसका मतलब आप उस मंदिर में उस प्रभु के लिए निवेदन कर रहे हैं जो उस मंदिर में जिसकी गरिमा है। आगे, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिरगिरा के करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना, और सबसे पहले क्या करना, जो वो मांग रहे तू दे देना। हम लोगों क्या कौन सी प्रार्थना होती है, बस आमीन हो बारिश हो जाए पैसों की, आमीन हो चंगाई से भर जाए। हम लोग चमत्कार में फंसे हुए, हमारा जो परमेश्वर को लेकर जो हमारी सोच है ना वो गलत है, ये चमत्कारी वाली सोच हटनी चाहिए। ये सैटनिक है, शैतान चमत्कार से ही तो धोखा देता है, झूठे चमत्कार कर करके लोगों को, सच्चे मसीहों को भटका देगा चमत्कार के चक्कर में। जी, जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे, जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए, और वो आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसी की चाल उसी के सिर लौटा दे, यानी जो बोगे सच्चा न्याय है वो ये नहीं कि तुम उसकी उपस्थिति में आते हो तो तुम्हारा फेवर कर लेगा, ना, जिसकी गलती होगी उसी को पनिश कर देगा। और सब लोग ठोकर खा जाएंगे, अरे यार हम गलत जगह आ गए। जी, जब
और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण, अरे बाप रे बाप, इसका मतलब जब आपके ऊपर, इज़राइल के ऊपर जब शत्रु हावी हो जाए, इसका मतलब परमेश्वर नाराज है। इसका मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे परमेश्वर नाराज है, क्योंकि परमेश्वर मारता तो नहीं है लेकिन पिटवा जरूर देता है। देखा आपने, वो प्रार्थना में सच्ची बातें बोल रहा, वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहा है। हाँ, हार जाए और तेरी और फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। अब आप को एक बात बता रहे हैं, यहां पर रुक कर खास बात आपको ध्यान देनी है, मालूम क्या, ये इज़राइल से जब हमको ये विश्वासियों को जो कंपेयर किया जा रहा, मसीही विश्वासी इज़ुकल टू इज़राइल, तो इज़राइली लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, वो जब पाप करते थे, वो जब मूर्ति पूजा करते थे, वो सब गलत काम करते थे, जबकि वो परमेश्वर को पहचानते थे, लेकिन उसके साथ अपना संबंध जैसा बनाना चाहिए व्यक्तिगत संबंध वो नहीं बनाते थे। क्या ये विश्वासियों की, आज के विश्वासियों की पिक्चर नहीं है? और इसमें वो दो लोगों के लिए बात कर रहा है, एक तो इज़राइल के लोग और एक जो इज़राइल के चारों तरफ देश में लोग रहते हैं जो इज़राइल को देख रहे हैं। अगर इज़राइली लोग यानी विश्वासी लोग ऐसा जीवन जिएंगे जिससे जो कलीसिया में नहीं आते वो ठोकर खाएंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा? तो क्या एकदम सच्चा न्याय बताइए, क्या क्या वो आपको दंड देगा ना? तो विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा कन्विक्ट और कन्विंस करेगा विश्वासियों के साथ भी, और जो विश्वासी नहीं है सांसारिक लोग हैं उनको भी वही करेगा, लेकिन दोनों के लेवल अलग अलग होंगे। और यहां पर वो चीजें आपको देखने को मिल रही होगी 35 वर्स। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करे, कौन? इज़राइली। और इस कारण देखिए, जब परमेश्वर मसीही विश्वासी लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आकाश बंद हो जाने का मतलब मालूम क्या है? तुम प्रार्थना करते रहो, उत्तर आएगा ही नहीं। आज मसीही लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम है ना जी, कि वर्षा ना हो। ऐसे समय क्या करना चाहिए? ऐसे समय में यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है इसका कारण क्या मालूम? कि और अपने पाप से फिरें। क्यों दुख दे रहा है? मन फिराओ, मन नहीं फिराओगे, एक के बाद एक इंसिडेंट होते रहेंगे जी, के अपने पाप से फिरे तो तू स्वर्ग में से सुनकर। देखिए, प्रार्थना में सबसे पहली चीज वो सुलेमान क्या कह रहा है शुरू से, प्रार्थना क्षमा करना। प्रार्थना सुनने का मतलब, प्रभु अगर तू प्रार्थना सुन रहा है तो क्षमा कर देना। सबसे पहली ये प्रार्थना की खास बात क्या है? क्षमा। ये ना कहिए कभी उसको, ये मत बताइए मैं तो बहुत विश्वासी हूं, मैं दशमांश देता हूं, ताने तो मत मारिएगा कभी भी उसको। अगर उसने अपना हाथ रोक लिया ना तो दशमांश का घमंड खत्म हो जाएगा। परमेश्वर को कभी ताना मत मारना कि मैं दशमांश देता हूं, ये तुम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो, तुम दशमांश से ज्यादा देकर बोलो तब बताना, दशमांश भी लोग पूरा नहीं देते, तो ये घमंड का विषय नहीं है गिविंग, ये तो हो। और दीन होने का, प्रभु जितना हमें उचित है उतना तो हम नहीं दे रहे, प्रभु जो दे रहे हैं दया करके ग्रहण कर लीजिए, नम्रता से उसके सामने, इसको दीनता नम्रता का प्रतीक बनिए कि जो आपको देना चाहिए उचित है वो नहीं दे रहे हैं, तो देने का घमंड ना हो जी। और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना,
तू जो उनको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना, प्रभु क्षमा कर देना और पानी बरसा देना। लेकिन मंदिर, इस मंदिर की ओर, आज इस मंदिर की जगह कौन आ गया? अब आपको यीशु मसीह के ओर ताकना है, उसी नाम में ही उद्धार है। और ऐसा नहीं कभी उसको दिखाइएगा कि आपने कोई गलती नहीं की है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आके खड़ी है, कोई किसी बीमारी ने आकर आपको जकड़ लिया है, तो जरूर कुछ हुआ है। क्षमा की जरूरत है, क्षमा याचना पे आ जाइएगा फौरन, और अपने अंदर की सारी ऐंठन को उसके सामने तोड़ के खत्म कर दीजिएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर बहुत दया करने वाला है। सही एटीट्यूड में जैसी आप आएंगे, आपको फिर से खड़ा कर देगा। 37 पद, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखे अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए। प्रभु यीशु मसीह कहा, पिता के दाहिने बैठा है, अपने हाथ उसकी ओर फैलाओ, वो हमारा वो भवन है जी। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर पहला काम क्या है? अब आप यीशु मसीह की सेवकाई में देखिए, वो लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने क्या कह दिया था कि वो चलने फिरने लगा? नहीं, जा तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या कहा था? अगर उसने आपको पापों को क्षमा कर दिया, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आपके शरीर में टिक जाए जी। और ऐसा करना, एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहे जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहे। अब आ गया बाहर के लोगों के लिए, तो विश्वासियों के लिए था, कलीसिया के लोगों के लिए। अब आगे पढ़िए 41, फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वो तेरा नाम सुनकर, नहीं दूर देश से आए, वो तो तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना। प्रभु उस पर दया कर देना, क्योंकि वो तुझे ठीक से जानता तो नहीं, वो समाचार सुनकर आया है जी। जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि ये भवन जिसे मैंने बनाया है वो तेरा ही कहलाता है जी। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए और इस नगर की ओर
जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है यहोवा से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय करना। जी निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को चाहे वो दूर हो चाहे निकट ले जाए। और यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर यानी मन फिरा कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हो अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है तुझसे प्रार्थना करें तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग हैं जिन्हें तू लोहे के भट्टे के मध्य में से अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। इसलिए तेरी आंखें तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इज़राइल की गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहे कि जब जब वे तुझे पुकारे तब तब तू उनकी सुन ले क्योंकि हे प्रभु यहोवा अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं को मिस्र से निकलने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। देखिए आपको यही लगेगा कि कलीसिया में आज मसीही विश्वासियों को जो बॉर्न अगेन हो गए हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने का एक आपको अधिकार प्राप्त हुआ है क्योंकि आपका एक रिश्ता उसके द्वारा परमेश्वर से बना है जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात बताई थी तो उसने अपने जिसे वो पिता कहता था परमेश्वर को। देखिए पुराने नियम में जिसको लोग परमेश्वर कहते थे यीशु मसीह उसको पिता बोल रहा है और यीशु मसीह ने जब अपने लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं बॉर्न अगेन हो गए हैं और यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं तो उसके शिष्य बन रहे हैं उनको ये अधिकार दे दिया था कि जब तुम प्रार्थना करना तो कहना हे हमारे पिता, परमेश्वर नहीं पिता। तो यीशु मसीह ने हमको ये अधिकार दिया है। अगर आप बॉर्न अगेन नहीं हुआ है और आपका यीशु मसीह से वास्तविक संबंध नहीं बना है जो बॉर्न अगेन होने के कारण होता है तो आप यीशु मसीह के तो आप परमेश्वर को पिता कह सकते हैं नहीं कह सकते जब तक कि आप बॉर्न अगेन ना हो क्योंकि बॉर्न अगेन होने के बाद पवित्र आत्मा अंदर से आपसे पिता बुलवाता है। अब मेरे साथ एक पद नए नियम में आ जाइए और यहां पर कुछ लगा दीजिए नए नियम में यहां पर इस चीज को टैली करके देखिए यहां पौलुस ने यह बात लिखी थी रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 8
अध्याय 8 का 15 पद पढ़िए, बल्कि 14-15 पद पढ़ दीजिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सब नहीं है तो सब पिता नहीं बोल सकते जी, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, दासत्व की आत्मा नहीं मिली है जिससे कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली, यानी तुम अडॉप्टेड बच्चे हो गए, तुमको उसने अपना पुत्र बना लिया है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा, यानी परमेश्वर की आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और इसीलिए आत्मा से यह बात निकलती है पिता। और जो कोई केवल मुंह से पिता पिता बोल रहा है उसकी सुनी नहीं जाएगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और सत्य की आत्मा जो हमें आपके वचन में सत्य को प्रकट कर रही, हमें ये सिखा रही है, हमें दिखा रही है और हमें बता रही है कि मसीही जीवन में हमें किस तरीके से सतर्कता के साथ और परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चलना है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अपनी ओर से अपनी इच्छा और अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को इसमें नहीं लाना है, बल्कि हमें पूरी तरीके से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है और उसकी आज्ञा मानकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जीवन फलवंत हो, जयवंत हो और उस परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, जिससे जो लोग संसार में हमारे संपर्क में आए परमेश्वर की उस महिमा का दर्शन हमारे द्वारा प्राप्त करें और परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।